everyone. Students, we have learned so many things from the Hindi. Now, we have write on the notebook poem Man Karta Hai. हमने मन करता है पोएम कॉपी में लिख लिया है और अच्छे से बहुत से बच्चों को याद भी हो गया है. एक बार फिर से इस चैप्टर क्यों नजर डाल लेते हैं. ये था क्या, मन करता है. मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकर दिखाऊं. इस तरह से आपने पूरी कविता पढ़ ली थी, है ना. बहुत सुंदर कविता, मुझे तो बड़ा मजा आया इस कविता को पढ़ने में. और देखिए कितना सुंदर पिक्चर है यहाँ पे, है ना. आप देख लेते हैं इसके हम प्रश्न उत्तर की बात है. बहुत अच्छे से आपको लर्न हो गई पोएम, तो आप उसी के आधार पर इनके आंसर्स आप देंगे. तुम्हारी बात यानी आपकी बात हो रही है यहाँ पर. तुम पर कौन कौन धौस जमाता है, क्यों? अब बताओ, आपको बताना है कि जैसे इस बच्चे ने हर चीज़ों पर धौस जमाने की कोशिश की थी ना, तो वैसे ही इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इस प्रश्न में घर में आप पर कौन धौस जमाता है और स्कूल में कौन जमाता है. जैसे घर में कौन जमाता होगा, आपके बड़े भाई बहन, और स्कूल में मॉनिटर या आपके बड़े स्टूडेंट, है ना. मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं. तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है, यानी चिड़िया की तरह ची 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 चू शोर मचाने को मन करता है. जब आप घर में फ्री होते हो, घर में कोई नहीं होता, मम्मी पापा बाहर गए होते हो, सारे भाई बहन मिलकर खूब सारा शोर मचाते हो, तब आपका मन करता होगा चिड़िया बनकर खूब शोर मचाऊं. कौन किस पर अकर जमाता होगा, आसमान में कौन जमाता है भाई. आसमान में जैसे कि बादल किस पर जमाता होगा, धरती पर. क्यों? क्योंकि उसको बारिश करनी होती है. ऐसे चिड़ियाएं जो बहुत सारी होती हैं, वो आपस में दोस्त जमाते होंगे, भाई मैं आपसे ज्यादा ऊंची उड़ूंगी, तुम मुझसे ज्यादा ऊंची उड़ोगे. जंगल में शेर, जंगल में कौन जमाता होगा अकड़, शेर बाकी दूसरे जानवरों पर. नदी में कौन जमाता होगा, नदी में कौन अकड़ जमाता होगा, मगरमच्छ बाकी मछलियों पर. ऐसे ही खेल में, आप खेल जब आप करते हो तो कौन जमाता होगा, आपसे जो बड़े बच्चे होंगे स्कूल में, वो आप पर धौंस जमाते होंगे, अकड़ जमाते होंगे. स्कूल में कौन करता होगा, आपसे बड़े भाई बहन, यानी जो आपसे बड़े हो गेम्स में, जैसे गेम्स में करते हैं वैसे स्कूल में मॉनिटर करता होगा और बाकी क्लासमेट्स करते होंगे. और घर में कौन अकड़ जमाता होगा, कभी कभी तो आप ही अकड़ जमा लेते होंगे कि मुझे तो यही खाना है, मैं नहीं खाऊंगा दूसरी चीज़ें. बिल्कुल मम्मी से अकड़ के बोलते होंगे आप, मम्मी मेरे तो मिस मिल्क शेक बनाओ, मैं नहीं पीऊँगा लस्सी वस्सी, मिल्क शेक बनाओ मेरे लिए, या फिर मैगी बनाओ, या कुछ भी बनाओ, है ना. तो आप भी अकड़ जमाते हो घर पे. अब आता है हमारा अगला प्रश्न. तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी, यानी आप यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मूछें. जैसे आपने पापा की मूछें देखी होंगी घर में, दादा की मूछें देखी होंगी, नाना की मूछें, अंकल की मूछें देखी होंगी, तो अब उसी तरह पर यहाँ पर बात हो रही है मूछों की. तुम्हारे यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है, कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से नाम दो. जैसे कि ये कितनी लंबी सी मूछ बना के रखी है, बड़ी बड़ी मूछें, तो इस तरह की मूछें किसकी मूछें होती है, राजपूती, जो राजपूताना लोग होते हैं उनकी मूछें होती हैं सब. एंड मैंने तो यहाँ पे बना दी इस तरह की मूछें. तो ये किस तरह की मूछ है, तलवार कट मूछ है, बिल्कुल सीधी सीधी तलवार की तरह. और ये इस तरह की मूछ किस कौन लोग किनकी होती है, इस तरह की मूछें छोटी छोटी लंबी लंबी, ये होती है चीनी लोगों की. चाइनीज आपने देख मूवीज देखी होंगी ना, उसमें देखी होंगी कितनी लंबी लंबी, यहाँ से इतनी बड़ी बड़ी मूछें बना के रखते हैं. तो इस तरह से ये वाला पार्ट हमारे यहाँ पर आज फिनिश होता है. थोड़ा सा और देख लेते हैं एक पार्ट और, फिर बाकी कल करेंगे. पता करो, अब करना है पता. तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो. अब आपको बनाना क्या है, घर में और स्कूल में आप क्या क्या करने का मन करता है आपका, वो सब आपने यहाँ पर लिखना है, जैसे कि नाम और मन करता है. इस तरह से हमारा आज इसका पार्ट यहीं पर हम समाप्त करते हैं. बच्चों, इसको आप अपने मन से लिखोगे कि घर में और स्कूल में आपका मन क्या क्या करने को करता है.
अपने फ्रेंड के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई बहनों के साथ, है ना, तो आपको ये अपने आप करना है। और बाकी हम एक कल यहाँ पर एक पतंग बनाना सीखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, बाकी हम इसे कल करेंगे। आज के लिए थैंक यू।